वेलकम बैक टू अनदर दोस्तों, मैंने जहाँ आपसे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। तो दोस्तों, आज मैं एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन आप सबसे शेयर करने वाला हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस मीम कॉइन के बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया होगा, और रिस्की भी हो सकता है। देखो यार, दोनों फैक्टर है, जिस तरह से दूसरे सोलाना मीम कॉइन ने प्रॉफिट दिया, हो सकता है उससे ज़्यादा ये प्रॉफिट दे, क्योंकि हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इसको पकड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके पैसे को जीरो भी कर दे, आपको लॉस भी पहुंचाए, तो दोनों ही फैक्टर हैं। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये डिसीजन आपको दोनों तरफ लेके जा सकता है। बाद में ये मत बोलिएगा कि निजाम भाई आपने बताया नहीं, तो इसलिए बता देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुका है, जो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है, उसके बारे में सब जानते हैं, और वो आप कितना प्रॉफिट देगा वो आपको मालूम है। लेकिन जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो बिल्कुल नया है, अभी आया है, उस तरह का ट्रेंड में अभी नहीं गया है, ट्रेंडिंग टॉपिक ही नहीं बना है, तो आपको पता है कि उसको जो है थोड़ा सा स्ट्रगल भी लग सकता है। हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाए, हो सकता है कि वो फ्लॉप भी हो जाए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेक श्योर वीडियो जो है देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ भैया टेलीग्राम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ दोस्तों अगर नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बाइंग कॉल, सेलिंग कॉल, हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड होती है, यहाँ पर तक कि न्यूज़ अपडेट्स भी यहाँ पर से जो है आपको फ्री में मिलती है। सो दैट नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ, और आज जो हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है स्लोथ। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली एक सोलाना बेस्ड ये भी मीम कॉइन है, और इस ये जो है ना, देख सकते हो किसको इंस्पायर्ड कर रहा है, ये भी एक क्या ही बोल सकते हैं उसको, एनिमल। जी हाँ दोस्तों, इसी को एक्सपायर कर रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है, काफ़ी हटके है, दूसरे से डिफरेंट किया है। प्रेस टू बाय अबव एंड द कनेक्ट वॉलेट, और इसको आप सोल के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, जुपिटर वॉलेट पे भी, और भी कहाँ कहाँ लिस्टेड है वो भी मैं बताऊँगा। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको पता है ना मीम कॉइन के अंदर क्या चीज़ें होती है, बस यही। अगर ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो भैया स्लोथाना इसका पूरा नाम है, सुलुथाना क्वाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वाइन पोकर एम्बेसडर। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं खास, बस यही चीज़ें दिया हुआ, और इस तरह से जो है इसका मीम्स आप देख सकते हो, इसका जो है आई थिंक NFTs वगैरह आप कह सकते हो, कुछ जो है यहाँ पर हाइप किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का आप यहाँ पर मीम्स जो है इसका आप देख सकते हो, तो ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर हाइप बनेगा तो एक अच्छा खासा जो है यहाँ से आप प्रॉफिट लेके जा सकते हो। प्राइस की बात करते हैं तो 0.0121 11-12% से ड्रॉप है, लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे है। जहाँ दोस्तों देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्की हो सकता है, दोनों ही फैक्टर हो सकता है। मीम कॉइन है, सोलाना बेस्ड है, प्रॉफिट भी दे सकता है, पंप भी हो सकता है, डंप भी हो सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। 24 मिलियन का फुल्ली डायलेटेड मार्केट कैप है, लेकिन मार्केट कैप अभी तक अपडेट नहीं हुआ, नॉट अवेलेबल यहाँ पर देख के आ रहा। ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 मिलियन का है, सबसे खास बात है कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है, और टोटल सप्लाई जो है यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर से आप देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम देखें तो 76% से ATS से ड्रॉप है, और ऑल टाइम लो से सिर्फ 6% ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ोगे तो एक तरह से ऑल टाइम लो पे पकड़ोगे, और यहाँ से चांसेज है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने का। अगर ये ऊपर जाता है, अगर रिकवर करता है, तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 2 बिलियन मार्केट कैप के साथ, 2 बिलियन अगर हम देखें तो टोटल सप्लाई के साथ, आप खुद ही सोच सकते हो एक मीम कॉइन कितना अच्छा हाइप बना सकता है। कहाँ मिलेगा? HTX, रेडियम, बिट्रो, इन सभी के ऊपर आपको मिल जाएगा, और सोलाना के जो डेक्स है उसके ऊपर से भी आप इसको बाय कर सकते हो। तो देखो यार, मैं तो बता दियो, लेकिन इसके बाद क्या फ़र्ज़ बनता है? इसके बाद ये फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद भी जाओ, अपना एक बार रिसर्च करो, देन रिस्क फैक्टर देखो। अगर आपको लगता है कि हम रिस्क लेने लायक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम रिस्क ले सकते हैं, तो $10 से $5 या $20 आप इससे लगा सकते हो। ज़्यादा तो लालच मत करना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हर कोई चल गया, हर प्रोजेक्ट चल गया, तो ये भी प्रोजेक्ट चल जाएगा। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लिखा नहीं होता है ठीक है प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये भी चलेगा ही चलेगा, तो रिस्की है, लेकिन बस वही होता है कि जो रिस्की होता है वही रिवॉर्डिंग भी होता है, दोनों ही फैक्टर है। सो दैट अपना सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी भाई अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो, बेझिझक दोस्तों हमसे कमेंट के अंदर जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल जरूर करना। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना है, गुड बाय।